अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर ब्रेड बिल्कुल सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा उसमें टेक्निक चेंज है हमारी। यूजली हम ऐसा करते हैं कि जब ब्रेड शुरू करते हैं तो 3 पार्ट्स में एक सेक्शन को डिवाइड करके देन एक नॉर्मल ब्रेड शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल सेंटर ऑफ द हेड हम सिर्फ 2 पार्ट लेंगे, और जो 3rd ब्रेड बनाने के लिए पार्ट है इन 2 पार्ट के बिल्कुल नीचे से मिड में एक सेक्शन उठाएंगे, एक लेयर नॉर्मल से उठाएंगे। ये हमारी ब्रेड का 3rd सेक्शन हो गया। अब हमने बनानी नॉर्मल ब्रेड की तरह ही है, लेकिन हम नॉर्मल ब्रेड बनाते हैं और उसके जो ट्विस्ट हैं, जो शेप आती है उसकी ब्रेड की, वो नॉर्मली जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या टेक्निक करने वाले हैं, यहाँ पर जो हम एक ट्विस्ट बाल को देते हैं दूसरी ले एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर, वो हमने फोल्ड नहीं करनी, उसको ऊपर टाइटली करके एक ट्विस्ट, टाइट ट्विस्ट की तरह बनाना है, हमने लूज़ नहीं छोड़ना उसको साइड से। एज़ यूजल जैसे फ्रेंच हम टेल के बाल लेते हैं, पूरे बाल नहीं लेंगे, चंद उसकी लेयर के बाल पकड़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी लेयर में से बाल साइड से उठा के हमने ब्रेड में डाले तो वो काफ़ी लेयर थिक होती जाएगी, तो उससे जो है ब्रेड का जो ट्विस्ट हम शो करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल भी एज़ इट इज़ नहीं बनेगा। बिल्कुल थोड़ी सी पतली सी लेयर ऊपर के चांद बाल उठाएंगे, और आप जैसे कि देख रहे हैं नीचे के बाल एज़ यूजल छोड़े हुए हैं। इसको नॉर्मल ब्रेड की तरह ही हम ट्विस्ट देकर इसको टाइट करके ऊपर एक शेप में दे देंगे। इसको लूज़ नहीं छोड़ना, ब्रेड को ऊपर ऊपर टाइट करते हुए पकड़ते जाना है, और सेम प्रोसीजर दूसरी साइड पर भी हम करेंगे। ये ब्रेड बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी डिफरेंट है। फ्रेंच टेल तो सभी बनाते हैं और ऑलमोस्ट सभी को आती है, लेकिन इस टेक्निक को यूज़ कीजिएगा और ये काफ़ी डिफरेंट लुक आती है। यहाँ मैं हैंड से थोड़े से बालों को लूज़ कर रही हूँ, पुल कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि एक वॉल्यूमाइज जो हमारा हेयर स्टाइल लगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम ब्रेड को टाइट करके पकड़ते हैं, सो उसकी वजह से उसके जो बाल होते हैं चुटिया के ब्रेड के काफ़ी टाइट हो जाते हैं। यहाँ जो हमारे पास आखिरी उसका लेयर बचती है नीचे वाले लेयर में से, उसको हम राउंड घुमा के इनविजिबल पिन के साथ पिन अप कर देंगे, और यहाँ पर हम मैसी कर्ल्स देंगे बालों को, बिल्कुल टाइट कर्ल्स नहीं देंगे। ऑल ओवर दी हेड मैं इसको जो है लेंथ में कवर कर दूंगी, और फ्रंट ईयर टू ईयर मैंने पार्टीशन की हुई थी, सेम एज इट इज़ ही हम इसको भी कर्ल्स कर देंगे। यहाँ पर मैं फ्रंट को कवर कर रही हूँ, 3 लेयर्स में मैंने इसको डिवाइड किया, 3 सेक्शन में। अपर डायरेक्शन में हम करेंगे इसको, अपवर्ड कह सकते हैं या आउटर वे में हम कह सकते हैं, फ्रंट से कर्ल्स दब करते हैं तो ऐसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लेयर को पकड़ेंगे और उसको कर्ल की शेप में ही घुमाकर उसमें से बारीक सी एक चंक, बारीक सी एक लेयर जो है वो ऊपर की तरफ हम खींच देंगे, उससे ये होगा कि हमारे जो कर्ल्स है मैसी लुक और ज़्यादा क्रिएट कर देंगे, और हमें मैसी लुक ही चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्प्रे कर दूँगी, जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स हैं वो निकल रहे हैं। ये हमारी फाइनल लुक है। काइंडली वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।